वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्फानिलामाइड्स एंड पैराअमाइनोबेंजोइक एसिड के बारे में, जो है आज का क्वेश्चंस है। तो सल्फोनामाइड हमारा चैप्टर शुरू था, हमने जो है सल्फोनामाइड के बारे में जो है क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन देख लिया था डी फार्मेसी सेकंड ईयर का। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्फोनिलामाइड्स सल्फोनामाइड्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी यूजेस, उसके बाद अल्टरनेटिव जो भी उसका रहेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड सल्फानिलामाइड एंड पैराअमाइनोबेंजोइक एसिड। तो बहुत बार यह क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2-3 मार्क्स के लिए, तो आपको जो है यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट ही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड मतलब सल्फानिलामाइड, प्यारा अमाइनो मतलब प्यारा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो प्यारा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप यहाँ पर मौजूद है मतलब NH2 ग्रुप यहाँ पर प्यारा पोजीशन पे मौजूद है, इसलिए प्यारा अमाइनो। उसके बाद बेंजीन, यह रिंग आप देख रहे हैं, यह रिंग किसकी है, तो यह रिंग है बेंजीन की। उसके बाद सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर क्या है, SO2 NH2, मतलब आपका जो सल्फानिलामाइड है, सल्फानिलामाइड किसका जो है कॉम्बिनेशन है, एक बेंजीन रिंग का, उसके बाद अमाइनो ग्रुप का और सल्फोनामाइड ग्रुप का। तो इस प्रकार से जो है सल्फानिलामाइड आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको अगर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सल्फानिलामाइड तो उसमें क्या क्या मौजूद रहेगा, सल्फर ग्रुप मौजूद रहेगा मतलब SO2 NH2 ग्रुप यहाँ पर सल्फोनामाइड ग्रुप मौजूद रहेगा। उसके बाद अमाइड है मतलब अमाइनो ग्रुप है तो NH2 यहाँ पर मौजूद रहेगा और बेंजीन रिंग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको अगर जो है सल्फानिलामाइड का प्यारा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड यह अगर आपको ध्यान में रहता है नेम, तो उससे आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग, उस पे प्यारा पोजीशन पे जो है NH2 ग्रुप मतलब अमाइनो ग्रुप है और जो अटैच है वो सल्फोनामाइड ग्रुप यहाँ पर SO2 NH2 ग्रुप अटैच है। अब हम बात करेंगे पापा, पापा मतलब प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड, प्यारा अमाइनो यहाँ पर भी प्यारा अमाइनो है, प्यारा पोजीशन पे NH2 ग्रुप यहाँ पर भी मौजूद है। उसके बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मतलब यहाँ पर देखिए एसिडिक ग्रुप COOH यहाँ पर मौजूद है और यह बेंजीन रिंग है, तो यह क्या बना, बेंजोइक एसिड बना और बेंजोइक एसिड के प्यारा पोजीशन पे जो है अमाइनो ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, इसलिए प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड, यह बेंजोइक एसिड का जो है वह ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 2 मार्क्स इससे ही आपके जो है वो कवर हो जाते हैं कि 2 से लेकर 4 मार्क्स अगर ये दोनों भी स्ट्रक्चर आ जाते तो लगभग आपके 4 मार्क्स जो है वो इजीली कवर हो जाएंगे और आपको जो है परसेंटेज लाने में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो है सल्फानिलामाइड और पैराअमाइनो बेंजोइक एसिड यहाँ पर हमने देख रखा। अब हम आगे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सल्फाडाइजिन के बारे में। तो सल्फाडाइजिन जो है हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है कि स्टेट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूजेस एंड द प्रिपरेशन ऑफ सल्फाडाइजिन। सल्फाडाइजिन का स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूजेस और मार्केटेड प्रिपरेशन जो है हमें बताइए। तो यह मोनोग्राफ करके आपको आता है, आपको लगभग 4 से लेकर 5 मार्क्स के लिए जो है एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है हर साल जो है सल्फोनामाइड्स ग्रुप से सल्फाडाइजिन या फिर सल्फागोनिडिन जो है वह आता ही आता है। तो सल्फाडाइजिन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी में देख लेते हैं कि सल्फाडाइजिन जो है हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, मतलब व्हाइट कलर में व्हाइट है लेकिन क्रिस्टलाइन पाउडर है। अगर आपने शक्कर देखी होगी तो शक्कर कैसे रहते, व्हाइट रहते, साथ ही साथ क्रिस्टल उस पर मौजूद रहते, उसी तरीके से जो सल्फाडाइजिन है हमारा वह हमें जो है वो नेचर से मिलता है। उसके बाद सल्फाडाइजिन जो रहता है हमारा प्रैक्टिकली इनसोल्युबल रहता है वाटर में, अगर प्रैक्टिकली इनसोल्युबल, अगर आप सल्फाडाइजिन लेते हो और एक तरफ से वाटर लेते हो और आप जो है सल्फाडाइजिन वाटर में डाल देते हो तो आपका जो सल्फाडाइजिन है वो एज इट इज रहेगा, वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही या फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि
यह जो है वाटर में इनसोल्युबल रहता है। उसके बाद इट इज सोल्यूबल इन द सोल्यूशन ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। तो अल्कली हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अगर आप जो है सल्फाडाइजिन अगर डालते हो तो उसमें जो है सोल्यूबल रहेगा सल्फाडाइजिन। या फिर आप अगर कार्बोनेट्स में डालते हैं NaOCO3 सोडियम कार्बोनेट में डालते हो तो उसमें भी जो है सल्फाडाइजिन जो है वो सोल्यूबल रहेगा, लेकिन अगर वाटर में आप डालते हो जो सल्फाडाइजिन है वह सोल्यूबल नहीं रहेगा, वह प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल रहता है वाटर में। और सोल्यूबल रहता है हमारे अल्कली हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद कार्बोनेट्स में जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया उस पर। उसके बाद इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन इन टेस्ट, स्लाइटली अल्कलाइन इन टेस्ट मतलब एसिडिक भी नहीं न्यूट्रल भी नहीं, लेकिन एसिडिक इसकी जो है वो पीएच है। इससे ही आपको पता चलता है कि पीएच कैसे रहेंगे, अल्कलाइन रहेंगे, और पीएच रेंज भी आपको इससे पता चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज कंडीशन के बारे में सल्फाडाइजिन के। तो सल्फाडाइजिन जो है वो स्टोर्ड किया जाता है वेल टाइटली क्लोज कंटेनर में और प्रोटेक्ट किया जाता है लाइट से। लाइट का अगर इस पे जो है सल्फाडाइजिन पे जो है वो इफेक्ट गिरता है तो उसका जो है अनस्टेबल होने की ज़्यादा संभावना रहती है सल्फाडाइजिन की। तो आप यहाँ पर सल्फाडाइजिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सल्फाडाइजिन मतलब यहाँ पर डाइजिन मतलब दो जीन मतलब दो पायरिमिडिन रिंग यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर जो है जो IUPAC नेम है उसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि टू प्यारा अमाइनो बेंजीन सल्फोना अमाइडो पायरिमिडिन, तो सल्फाडाइजिन इससे ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू प्यारा अमाइनो तो है लेकिन टू प्यारा अमाइनो है, यहाँ पर आप इस रिंग को देख सकते हैं पायरिमिडिन रिंग यहाँ पर मौजूद है। तो पायरिमिडिन रिंग को जो है यहाँ पर अटैच है दूसरे पोजीशन पे प्यारा अमाइनो यहाँ पर मौजूद है। बेंजीन यहाँ पर आप बेंजीन रिंग देख सकते हैं जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें। उसके बाद सल्फोना अमाइडो आप देख सकते हो और पायरिमिडिन। तो इस तरीके से वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको पूछा नहीं जाता लेकिन जो है आप जो है कर लीजिएगा थोड़ा बहुत इस पर नज़र जो है वो फिरा लीजिएगा ताकि जो है आपको ध्यान में रह सके कि सल्फाडाइजिन का स्ट्रक्चर यह है। उसके बाद हम बात करेंगे सल्फाडाइजिन के यूजेस की। तो सल्फाडाइजिन जो है वो यूज़ किया जाता है इन द मेनिंजाइटिस, द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस इन द बर्न्स और टैक्सोप्लाज्मोसिस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या रहता है, आपके जो मेनिंजेस रहते हैं ब्रेन में डोरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर यहाँ पर आपका मौजूद रहता है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वहाँ पर मौजूद रहता है जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ मेनिंजेस रहते हैं और उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ होती है तो मेनिंजाइटिस वहाँ पर ऑकर होता है और उसमें सल्फोनामाइड्स जो है वो दिए जाते हैं जैसे सल्फाडाइजिन, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब सल्फाडाइजिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। उसके बाद इन द बर्न्स, अगर कई बार जो है बर्न मतलब जलने की वजह से जो है आपको कई बार पेन होने लगता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी सल्फाडाइजिन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। टैक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सिक जो भी मटेरियल रहता है वो अगर बॉडी में एंटर होता है तो उसके वजह से जो भी इन्फेक्शन आपको हो सकता है या फिर दिक्कत हो सकती है उसके ट्रीटमेंट के लिए सल्फाडाइजिन यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर ऑकर होती है या फिर जो है आप जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन ऑकर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सल्फाडाइजिन जो है वो रेफर किया जाता है, जिसमें भी सल्फाडाइजिन मौजूद रहता है वह रेफर किया जाता है। उसके बाद मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करेंगे हम कि अगर सल्फाडाइजिन जो है हमें मार्केट में कैसे अवेलेबल मिलेगा। तो सल्फाडाइजिन टैबलेट IP और BP ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सल्फाडाइजिन के टैबलेट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। या फिर सल्फाडाइजिन सोडियम इंजेक्शन करके जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे मार्केटेड नेम की बात करें हम सल्फाडाइजिन की, तो सल्फाडाइजिन जो है पायरीमोल या फिर
एडियाजाइन के जो है मार्केटेड नेम्स इसमें अवेलेबल है। अगर आप सल्फाडाइजिन करके जो है वह मार्केट में जाएंगे और लेने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पायरीमॉल या फिर एडियाजाइन जो है आप बोलोगे तो आपको जो है इसकी जो है दवाई दी जाएंगी और आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर आपको जो है वो कौन सी भी मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद सल्फाग्लोनेटिन हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और सल्फासेटामाइड सोडियम भी अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सल्फाडाइजिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो प्राप्त हो चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पहले जो मैंने आपको दो स्ट्रक्चरों के बारे में बताया वो स्ट्रक्चर 101% कीजिए, क्योंकि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है बहुत ही बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, तो वह आप जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।